तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो उसमें वो बात कर रहे हैं, कहता है इफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ये स्टेटमेंट हम इतनी लंबी क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड जी इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 7, देखिए फाइंड एक्स व्हेन जी इक्वल टू 70। बच्चे ये आपको पता होना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए, पहले ये बताओ। अच्छा जी, शरत 6 है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में हम यही रूल अप्लाई करते हैं। प्रोपोर्शन के साइन को खत्म किया, के ओवर क्या हो जाना एक्स। अब जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 7। के फाइंड आउट हो जाएगा, जी आ गया 5, के हमने फाइंड आउट करना, एक्स हमारे पास क्या है 7। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक मल्टीप्लाई है, 7 × 5 = 35, तो के हमारे पास क्या आ गया जी 35। ठीक हो गया जी, के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने एक्स फाइंड आउट करना व्हेन जी इक्वल टू 70। हमारे पास इक्वेशन है जी इक्वल टू के ओवर एक्स, एक्स फाइंड आउट करना, जी की वैल्यू मेरे पास क्या है 70, के हमारे पास क्या आया 35, ओवर क्या आ जाना है एक्स की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 70/35/70। तो 35 1s are 35, 35 2s are 70। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। इजी है ना क्वेश्चन, इसलिए जरा स्पीड में मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर, इनको फिर समझा दें। बच्चे इसमें समझाने वाला क्या है कि उसने सिंपल है, कहता z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम ओवर में लिखते होते हैं हमेशा, याद है ना, अगर डायरेक्ट आए तो यस सर, डायरेक्ट में, और इनवर्स में हमने ओवर में। तो प्रोपोर्शन के साइन को खत्म किया, के ओवर एक्स आ गया। अब हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 5, के एक्स की वैल्यू क्या है 7, के हमने फाइंड करना। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35। अब वो कह रहा है फाइंड एक्स व्हेन जी इक्वल टू 70, जी इक्वल टू के ओवर एक्स है, जी की वैल्यू 70, के की वैल्यू 35 हमने फाइंड आउट की, एक्स फाइंड आउट करना। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 35/70 आ गया। 35 1s are 35, 35 2s are 70, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अहमद क्लियर है बच्चे, अहमद क्लियर है जी। अब नेक्स्ट है, कहता है इफ बी, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा करने लगा हूं। इफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, प्रोपोर्शन को मैंने खत्म किया, के ओवर ए आ गया हमारे पास। ठीक है, और कहता है बी की वैल्यू 35 3.5 है, के हमने फाइंड आउट करना, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 7.5। ये जी 3.5 × 2 7 आ गया, सॉरी कितना आ जाएगा 7, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या आ गया के की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है स्टेटमेंट आपने खुद राइट आउट कर लेनी है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है मरियम, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ
मरियम ये क्या क्या प्राइवेटली ये मैसेज कर रहे हो बच्चे आप? सर मैंने शाल से पूछना था, उसने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, गलती से आपको आ गया। ठीक है, अब जी हमने फाइंड करना है बी व्हेन ए इक्वल टू 1.4। तो बी इक्वल टू क्या हमारे पास के ओवर ए ही है। बी हमने फाइंड आउट करना, के की वैल्यू 7, ए की वैल्यू अब कितनी है जी 1.4। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 1.4। तो हमारे पास आ गया 5 आंसर आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? जी क्लियर है सभी को? जल्दी से कंप्लीट करें। यस। वेरी गुड अमास। आज हमने इंटरमीडिएट पार्ट खत्म करना है, जल्दी खत्म करो यार इसे। जी ठीक हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट राइट आउट करें जल्दी से। सर अभी तो मैंने 9 की लिखी है। अहमद यार स्पीड पकड़ यार, पहले ही बहुत सिलेबस पीछे है बच्चे, स्पीड पे अब अपनी स्पीड पकड़ लो सारे। अब किसी ने ये नहीं कहना कि सर अभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जिसने नोट करना है फिर वो लेक्चर देखेगा, जिसने नहीं नोट करना वो क्या करेगा? क्यों नहीं करना नोट है? आपने कहा जिसने नोट करना है वो लेक्चर दिखेगा। मैंने ये कहा जिससे नोट ना हुआ वो फिर ऑनलाइन जो यूट्यूब पे लेक्चर होगा वो देखेगा। ठीक है सर, बीच में लेक्चर आते नहीं है सर। मैंने इस्लामियत का होमवर्क करना था सर, वो आया ही नहीं था। बच्चे उसकी छोड़ो, बस मैथ की बात किया करो। मैथ का एक लेक्चर अभी ये कह रहे हैं बच्चे के मिस हुआ है, वो मैं देख लूंगा, अदरवाइज मैथ का कभी नहीं मिस हुआ। ठीक बच्चे सर। हाँ जी, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी नहीं आया हुआ। नहीं सोने, एक ही क्वेश्चन होगा शायद अगर कोई मिस हुआ है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ना ये मैसेज करो कौन कौन से क्वेश्चन है, मुझे लिखाओ। 1B का कौन सा कह रहे हो आप? सर क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 एंड 11 और 5 एंड 6 सर, लास्ट लेक्चर ना अपलोड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो है ना वो मैंने नहीं किया हुआ। यही बात कर रहे हो आप? यस सर। अच्छा एक मिनट रुको, अभी देख लेते हैं। ये यूट्यूब का चैनल हमारे पास ही है सर, मैंने सिर्फ 3 तक ही किए हुए हैं। बच्चे अभी देख लेते हैं ना, मुझे पता चल जाएगा कि किसके कौन से लेक्चर मिसिंग है। मैथमेटिक्स ग्रेड 7। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आप लोगों को ना वॉइस मैसेज सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, जैसे ही अपलोड करता हूँ। मैंने ये अभी मुझे मिल नहीं रहे, मैं देख के आपको बता दूंगा। वो एक पर्सन आ गया जो लास्ट टाइम हमने किया, म्यूट कर दो भाई अपनी वॉइस को। तो ये भाई सर क्लास के एंड पे क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार रिपीट करवा दें। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 करना था बच्चे? किसी जिसने मैंने कर लिया सर, मैंने एक बार कंफर्म करना कि ठीक है कि नहीं। वो मुझे आप अपलोड करना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है बच्चे, पता क्या है कि पहले ही हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है आपको बताओ। तो कोशिश करो कि यार साथ साथ मिलके ना आप थोड़ा सा काम करते जाया करो, ठीक है, ताकि अपना सिलेबस हम कवर करते जाएं। म्यूट कर दें अपनी वॉइस को। अच्छा जी, तो अब वो इसमें कह रहा है और ये चैप्टर करने हैं बच्चे, अभी चुप हो जाओ, ये बात करने वाली नहीं है। पता है मैंने पहले ये सिलेबस लिखवा चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वाई कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ओवर एक्स। मैंने आपको बताया था इस टेबल में जिसमें x और y दोनों गिवन होगी, वो हमने वैल्यू उठा के उसमें से k फाइंड आउट कर लेना। अब ये दोनों वैल्यूज गिवन है
x की वैल्यू मेरे पास 3 है, y की वैल्यू क्या है 4, हम k फाइंड आउट कर लेंगे. y की वैल्यू 4, k हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3. 3 द डिवाइडर है तो आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12. वेरी गुड. अब हमने यूज करते जाना है और वैल्यूज फाइंड आउट करते जाना है. पहले में हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x फाइंड आउट करना, k y हमारे पास गिवन है. तुम्हारे पास y इक्वल टू k ओवर x, यही है. x फाइंड आउट करना, y की वैल्यू 24, k की वैल्यू 12 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी. x डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और 24 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. 12 वन जार 12, 12 टू जार 24, तो x की वैल्यू आ गई 1/2. 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आया 0.5. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.5. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट में हमारे पास अगेन हमने x फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू सॉरी x नहीं y फाइंड आउट करना. x की वैल्यू 2 है, y हमने फाइंड आउट करना, तो y इक्वल टू k ओवर x. तो y फाइंड आउट करना, k की वैल्यू 12, x की वैल्यू मेरे पास अब कितनी है 2, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई. अलीहा सलमान ऑनलाइन है बच्चे? अलीहा सलमान नहीं है. नो सर. जी ठीक हो गया, ये क्लियर है. अब हमारे पास नेक्स्ट में यस, अब नेक्स्ट, अब ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. अब नेक्स्ट में 2.5 है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 2.5. तो अब ये मैं भी नेक्स्ट में यहां पे कर रहा हूं, y इक्वल टू क्या है हमारे पास k ओवर x. y हमने फाइंड आउट करना, k की वैल्यू 12, x की वैल्यू अब कितनी है 2.5, ये आ गई. y 12 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आएगा, आई थिंक सो 4 है, 4.8. तो ये 4.8 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 4.8. अब लास्ट पे x फाइंड आउट करना, y हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वही रूल. तो क्या होगा हमारे पास, ये मैं इस साइड पे कर रहा हूं, ठीक है, y इक्वल टू k ओवर x, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 1.5, यहाँ पे 1.5 आ गया, k हमारे पास 12, x हमने क्या करना फाइंड करना, x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 12 ओवर 1.5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 1.5, 12 डिवाइडेड बाय 1.5 आंसर इज 8. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 8. लेंस ये आंसर. एनी कंफ्यूजन इसमें, सेम वही रूल है, ठीक है, तो रिलैक्स होके क्वेश्चन करें सारे, जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें. वेरी गुड अमाज, जी अहमद कितनी देर है बच्चे, फर्स्ट पार्ट में होगी. अहमद यार जल्दी कर, जल्दी. वैसे क्लियर है सभी को, हैंड रेज करें भाई. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, चलो. चलो भाई चलो जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट की स्टेटमेंट राइट आउट करो, मतलब इसका बी पार्ट जो है टेबल बनाओ सारे बच्चे. सर कर लिया.
जी टेबल बना लिया? यस सर। हाँ जी, तो उसे उसके अकॉर्डिंग को सॉल्व करना शुरू करो जल्दी से। अहमद यार जल्दी कर, बच्चे तेरा ही रह गया, बाकी सभी ने नोट कर लिया है। निशवा हो गया बच्चे, इशाल, इशाल फातिमा, मरियम, बच्चे हो गया सभी? सर हो गया। वेरी गुड सर, हो गया। चलो अहमद ये वाला सारा कर लिया इस साइड को? यस सर। टेबल बना लिया, वैल्यूज लिख ली हैं? यस सर। सर ये लास्ट वाला नहीं किया, ये जो y इक्वल टू k है वो एक्चुअली फर्स्ट वाला कर लिया। ये वाले तीनों लाइनें कर ली हैं? यस सर। अच्छा टेबल बना लिया, टेबल रेज कर दूं? यस सर बना लिया। बी पार्ट है अब इसका, जल्दी से करना है, ये भी सेम वही चीज है। ठीक है, एक्स और ये वाई, एक दो तीन चार पांच, तो 3, 4, 9, 8, 2.5, 8, 2.5 और आप साइड पे भी 25 है जी, 25 लें जी। ये वाली गिवन है तो ऑटोमेटिकली y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, y इक्वल टू k ओवर x, तो y की वैल्यू हमारे पास 9, k हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 4, 4 9s आर 36, k की वैल्यू 36 आ गई हमारे पास। ठीक है, सीधा सीधा वही क्वेश्चन है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y 3 है, y फाइंड आउट करना, तो y इक्वल टू k ओवर x, y इक्वल टू k की वैल्यू 36, x की वैल्यू 3, तो 3 1 3, 3 2 6, 36 को 3 पे डिवाइड किया तो 12 आंसर, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, अब x फाइंड आउट करना, y की वैल्यू 8 है, तो y इक्वल टू k ओवर x, y 8, k की वैल्यू 36, x फाइंड आउट करना, x इधर आ जाएगा, 8 इसके ओवर में आ जाएगा। ठीक है, 8 के डबल में 36 आता है? आई थिंक सो नहीं आता। 3 1s are 2, 1 carry 2 8s are 16, 2 4s are, 2 9s are, 2 2s are, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9/2, या इसे डिवाइड करके आप डायरेक्टली आंसर लिख दो, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, आई मीन कंफ्यूज हो जाओगे। 36 को 8 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा पॉइंट्स में वो राइट आउट कर दो। ठीक है, कितना आया अमाज, कितना आया बच्चे? 36 डिवाइडेड बाय 8 सर, जल्दी करो जल्दी। अहमद ये वाली साइड होगी नोट बच्चे? यस सर, 4.5 है। 4.5 है, पक्की बात है? यस सर। चलो तो 36 डिवाइडेड बाय 8, 4.5, तो ये x आ गया हमारे पास 4.5। अब y की वैल्यू क्या है? 2.5, x फाइंड आउट करना, तो y इक्वल टू k ओवर x, y 2.5, k हमारे पास 36, x हमने फाइंड आउट करना, x इधर आ जाएगा, y की वैल्यू इसके ओवर में आ जाएगी। अब 36 को डिवाइड करो 2.5 पे जल्दी से, 36 डिवाइडेड बाय 2.5 जी, आंसर स्पीड अप यार। इशाल फातिमा, बच्चे निश्वा बताओ कोई आंसर क्या है इसका? 14.4। यस, हो जाते हो इतनी लेट, आप लोगों ने पता नहीं कब स्पीड पकड़ेंगे। अब लास्ट रह गया x की वैल्यू 25, y फाइंड आउट करना, तो y इक्वल टू हमारे पास k ओवर x,
y फाइंड आउट करना, k की वैल्यू 36, x की वैल्यू 25. 36 डिवाइडेड बाय 25, जल्दी से. सर 1.24. 1.24. 1.44. सर 44. 1.44. यस सर. ये आंसर है. यस सर. तो यहां पर 44 और यहां पे 14.4. लेंच. क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट आउट करें जल्दी से. नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट आउट करें. 10 मिनट्स रह गए हैं भाई. एक क्वेश्चन हमने करना है ये. हाँ जी, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट आउट करें, क्योंकि मैंने नहीं राइट करनी, आपने खुद राइट आउट करनी है स्टेटमेंट. छोटी सी है, मैंने जस्ट क्वेश्चन करवाना है. अहमद कितना हो गया बच्चे? डन. वेरी गुड. ये हुई ना बात. म्यूट करते हैं भाई आप अपनी वॉइस को. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11. तो उसकी स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी एफ. तो सारा राइट करने. हाँ हाँ बच्चे, आपने सारी स्टेटमेंट राइट आउट करनी है, चाहे उसकी स्पेस छोड़ दो स्टेटमेंट की, बाद में राइट आउट कर ले. ठीक है, क्योंकि यार सिलेबस बहुत पीछे है, आपकी सोच से ज्यादा पीछे है. क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने तो क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन लिख दिया है आगे. 10 का क्वेश्चन नंबर 11 लिख के आगे सॉल्यूशन लिख दिया है. नहीं बच्चे, आपने स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने पहले भी कहा आपको. सारों का ही ऐसा होगा, सिलेबस तो पीछे. नहीं नहीं, सिर्फ आपकी क्लास का पीछे है, उसे बाकी किसी मैथ की क्लास का पीछे नहीं है सिलेबस. ऑलमोस्ट सभी ठीक जा रहे हैं. अच्छा जी, अब ये है कि हमारे पास दी फ्रीक्वेंसी एफ. अब मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना सभी ने. ठीक है, कहता है दी फ्रीक्वेंसी एफ किलोहर्ट्ज. किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, हर्ट्ज यूनिट होता है और उसे किलो में कन्वर्ट किया हुआ है. ऑफ अ रेडियो वेव, रेडियो की वेव की फ्रीक्वेंसी जो है किलोहर्ट्ज में, वो कहता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ. वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को एफ से शो किया गया है, वेवलेंथ को हमने लैम्डा से शो किया गया है. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं राइट आउट करने लगा हूँ. फ्रीक्वेंसी सर, ये एक दफा साइन बता दी, साइन कैसे लिखना है लेंथ का? बता देता हूँ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसे ही है. फ्रीक्वेंसी को एफ से शो किया गया, वन ओवर लैम्डा कैसे राइट आउट करना है? ऐसे लाइन लगा के इसको इस साइड पे, लाइन लगा के इस तरह, या फिर यानी कि जिस तरह इसने राइट आउट किया हुआ है, आप क्या करो, यहाँ पे गोल लाइन और यहां से इसे इस साइड पे कन्वर्ट कर दो. लेकिन मैं राइट आउट करता हूँ इस तरह. ठीक है, इस तरह उल्टा टिक समझ लो, उल्टा टिक समझ लो. अदरवाइज जिस तरह इसने लिखा हुआ है, इस तरह और इस तरह, ये शेप बना दो पूरी प्रॉपर. ठीक है, अदरवाइज मैं तो इस तरह लैम्डा राइट आउट करता हूँ. ये लैम्डा मेरे लिए. अगर ये ना बने तो जिस तरह इसने शेप बनाई है, पहले एक लाइन इस तरह टेढ़ी और इस साइड पे इस तरह. ठीक है, इस तरह लैम्डा आप राइट आउट कर सकते हो. ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ओवर लैम्डा. और A over lambda, frequency wavelength को हम lambda कहते हैं. कहता है the frequency of a wave of a radio wave that has a wavelength. Wavelength कहता है 3000 meter है, तो frequency होगी 100 kilohertz. Frequency हमारे पास 100 आ गई, K हमने find out करनी और wavelength हमारे पास क्या है 3000. लें जी के. जी बच्चे, सर मैंने आपसे पूछ रहे हैं कि एग्जांपल किस चीज की है, ये किस चीज का बता रहे हैं? ये बच्चे बता रहे हैं कि रेडियो वेव्स हैं, रेडियो की वेव्स. वेव्स आपको पता है ना क्या होती हैं? वेव्स. ठीक है, तो रेडियो की वेव्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. दो टाइप्स की होती है, एक मैकेनिकल होती है, दूसरी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. ठीक है, तो वेव्स गुजर रही हैं,
फ्रीक्वेंसी उसकी यानी कि वेव्स की शेप होती है इस तरह। लैम्डा कहते हैं कि इसके टॉप क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं, वेव की लेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है कि उसकी हाइट कितनी है, जिस तरह जो नॉर्मल ईयर है हमारा इंसानी ह्यूमन ईयर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि सुनने की सलाहियत, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सुनने की सलाहियत। ठीक है, तो वो बता रहा है कहता 100 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये याद रखना। ठीक है, तो वो बता रहा है कि रेडियो की वेव्स हैं निकल रही। ठीक है, उससे साथ क्या पैदा हो रही है, फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है। फ्रीक्वेंसी कहता 100 किलो है जब उसकी वेवलेंथ कितनी हो, 3000 मीटर हो। मतलब कि ये डिस्टेंस, वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस को भी कहा जा सकता है, वेवलेंथ यानी कि जो हमारा लैम्डा होता है ना वो डिस्टेंस होता है। बस ये अब बात वो कह रहा है, वो अब बाद में क्या कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो वेवलेंथ कितनी होगी, फिर वो बात कर रहा है कि वेवलेंथ इतनी हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बस ये हमने बताना है उसे, समझ आई अहमद के नहीं? यस सर। अब के हमारे पास क्या होगा, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3000। तो के इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 30 इसके और 20 इसके, 3 लाख हो जाएगी जी हमारे पास के की वैल्यू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब वो ए पार्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है, कहता है द फ्रीक्वेंसी, फाइंड करनी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो दैट हैज अ वेवलेंथ, दैट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 500 मीटर। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड आउट करना है। तो एफ इक्वल टू के ओवर क्या हो गया, लैम्डा। एफ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 3 लाख ओवर लैम्डा मेरे पास क्या है, 500। 20 सर ने आ गए हैं सर, आपको सर आपका माइक म्यूट है। जी अब क्लियर है, वो कॉल क्या हो गया प्रॉब्लम सर, हमें कुछ भी नहीं समझ आई, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको दोबारा समझाया नहीं आई, आपकी वीडियो बंद हो गई थी और आवाज भी बंद हो गई थी। अच्छा मैं करवा दूं, आपकी आवाज ही रुक गई थी, समझ नहीं। अच्छा अब आ रही है आवाज? यस सर। यहाँ तक क्लियर है, के तक? यस सर के तक। बात कर रहा है, कहता फाइंड करनी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो दैट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 500 मीटर। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ अब कितनी है, 500 मीटर। तो एफ इक्वल टू के ओवर लैम्डा, के की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की हुई है, 3 लाख आ गई। लैम्डा मेरे पास अब कितना है, 500। 20 से कट हो गए, 3000 ओवर 5 आ गया, 5 6 30 और ये 20 साथ आ गए, 600 किलो हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। मुश्किल इसमें कोई? क्लियर, आपकी दोबारा आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज, बाकियों को आ रही है? सर आ रही है, आ रही है, ठीक बात ही नहीं है। आप अपना चेक करो, शायद आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। सर मैं आपको सुन नहीं रहा। आपको भी नहीं आ रही? हम्म, सर मुझे आ रही है, सर मुझे भी आ रही है, सर मुझे भी आ रही है। वो बाज दफा हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई नहीं रिलैक्स हो जाओ, बस थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन। अहमद आ रही है अब आवाज बच्चे? यस सर अब आ रही है। चलो इसका बी पार्ट जल्दी से करें यार, खत्म, क्लास एंड होने वाली है। सेकंड पार्ट है इसका, अब वो कहता है दी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज है। वेवलेंथ ऑफ दी रेडियो when frequency when that has, उसने लिखा होगा, when लिख लो that has, sir एक मिनट, साइड पे होगा, लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एंड,
800 किलोहर्ट्ज जी सर टाइम टाइम बचे एंड होने लगा है बस अब एफ में गिवन है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो एफ इक्वल टू के ओवर लैम्डा एफ हमारे पास 800 के हमारे पास 3000 और 3 लाख लैम्डा हमने फाइंड आउट करना लैम्डा इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये 3 लाख जी बच्चे एक सेकंड रुक गए हाँ जी क्या हुआ बस करवाए सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी अब आ रही है यहाँ से क्लियर है ये 800 मल्टी